मुकेश सहनी को एक बार फिर से साथ मिल गया है जदयू का। योगी की वापसी के साथ साथ ये भी तय हो गया कि अब मुकेश सहनी को बैकफुट पर जाना होगा और भाजपा बदला लेने की प्रवृत्ति से स्पष्ट दिख रहा है। वो चाह में अपने प्रत्याशी को उतारती है। मुकेश सहनी बार बार उत्तर प्रदेश में जाकर ये बात बार बार कह रहे थे, झारखंड में भी कह रहे थे कि अगर हम चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत ही तगड़ी खबर लेकर आपके लिए आया हूं। आपने अब तक सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई हुई थी भाजपा और वीआईपी के बीच में, वो अब बिहार में आ गई है। आपको पहले ही हमने बताया था, आपको याद होगा मेरा पंचनामा जिसमें मैंने कहा था लगभग 3 महीने पहले कि बोचहा सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि बेबी कुमारी वहां से तैयारी कर रही हैं। ये पिछली बार भाजपा की प्रत्याशी वहां से थी लेकिन चूंकि अंतिम समय में मुकेश सहनी की एंट्री हुई तो कुछ सीटों को कुर्बानी देनी पड़ी भाजपा को, जिसमें से एक सीट बोचहा की थी। लेकिन अब जब वहां से जो प्राकृतिक दावेदारी थी मुसाफिर पासवान की, वो खुद ही नहीं रहे तो इस सीट को भाजपा अपने पाले में करना चाहती है। ये तो भाजपा की तरफ से जो दिया जा रहा है वो मंतव्य है, लेकिन भाजपा के मन में क्या चल रहा है? दरअसल मुकेश सहनी बार बार उत्तर प्रदेश में जाकर ये बात बार बार कह रहे थे, झारखंड में भी कह रहे थे कि अगर हम चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं। सरकार गिराने के लिए जो आंकड़े हैं उसमें वाकई मुकेश सहनी की पार्टी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन चूंकि बोचहा से पहले दो उपचुनाव जो हुए तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसमें जदयू की जीत हुई, उसकी वजह से जो कंफर्टेबल मेजोरिटी है वो कुछ हद तक आ गई और अब मुकेश सहनी के 3 विधायकों को भाजपा जब चाहे अपने पाले में कर ले, ऐसा भाजपा दावा कर रही है। या नहीं भी करती है तो मुकेश सहनी कम से कम सरकार अपने दम पर तो नहीं गिरा पाएंगे, ऐसा अगर बोचहा जीत जाती है भाजपा तो हो जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं कि गेम कहां फंसा हुआ है। लेकिन बोचहा में मुकेश सहनी से पहले ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा क्यों? दरअसल उत्तर प्रदेश की लड़ाई में बार बार ये भाजपा कह रही थी कि हमारा यहाँ गठबंधन नहीं है इसलिए मुकेश सहनी को हम स्थान नहीं देंगे। मुकेश सहनी भी ये बात कह रहे थे कि हमारा गठबंधन बिहार तक सीमित है। तो ये जो दुहाई दी जा रही थी इसकी वजह से बार बार ये दावा कर रहे थे मुकेश सहनी कि भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत रही है, योगी नहीं आ रहे हैं। लेकिन योगी की वापसी के साथ साथ ये भी तय हो गया कि अब मुकेश सहनी को बैकफुट पर जाना होगा और भाजपा बदला लेने की प्रवृत्ति से स्पष्ट दिख रहा है। बोचहा में अपने प्रत्याशी को उतारती है और साथ साथ मुकेश सहनी को एक मैसेज दे देती है कि अब आप देख लीजिए अपना किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे नियम और शर्तों के हिसाब से रहना होगा। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं था वहीं बिहार में एनडीए गठबंधन है जिसके 4 घटक दल हैं। अगर वीआईपी को की बात कर ले तो ये भी घटक दल अंतिम समय में शामिल हुआ था, मांझी जी, मुकेश सहनी, जदयू और भाजपा। लेकिन भाजपा ने बिना किसी बैठक के, बिना किसी आत्ममंथन के, बिना सारे दलों को साथ लिए हुए ये स्पष्ट कर दिया कि वो अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारने जा रही हैं बोचहा में। लेकिन बोचहा में प्रत्याशी उतारने के साथ साथ ही मुकेश सहनी के साथ दो दो हाथ करने का भी कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा हो जाता है। अब ये बात जहां तक अब जानते हैं कि आपको पता भी होगा कि मुकेश सहनी लगातार इस बात पर बोल रहे थे कि हमें पता है कि भाजपा क्या कर रही है, हम वहां चुनाव लड़ेंगे, लास्ट में वो बैकफुट पर भी आए। लेकिन जब एयरपोर्ट पे वो पटना पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया कि आपके साथ जब धोखा हो रहा है तो जदयू चुप क्यों बैठी हुई है? तो इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जदयू क्या करती है ये जदयू समझती है, जदयू को अपने हिसाब से सोचना चाहिए, अगर ये गलत हो रहा है तो जदयू के नेताओं से आप पूछ सकते हैं। लेकिन अब तक जो लगातार चुप्पी साधी हुई थी जदयू, वो एकाएक इस मामले पर मुखर हो गई है और इस पूरे मामले पर मुकेश सहनी के पक्ष में खड़े हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। आपको याद होगा जब महागठबंधन बना था 2019 में, उस दौरान बार बार मांझी, मुकेश सहनी और कुशवाहा एक साथ एक मंच पर नजर आते थे। यहां तक कि अंतिम समय में ये तीनों पार्टियां तेजस्वी यादव के व्यवहार की वजह से बाहर हुई और संवादहीनता का आरोप लगाती रहीं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने सेम आरोप लगा दिया है भाजपा के ऊपर और ये भी कहा है कि भाजपा को जब ये डिसीजन लेना था तो मुकेश सहनी से बातचीत करके लेना चाहिए था। हमने जब भी चुनाव को लेकर कोई फैसला किया है गठबंधन में तो हमने हर बार अपने सहयोगियों को साथ लिया है, ट्रस्ट में लिया है, फिर कोई फैसला लिया है। ऐसे में अगर भाजपा ने यह फैसला लिया है तो ये गलत है, इस फैसले को भाजपा को एक बार फिर से रिकंसिडर करना चाहिए। और जहां तक बात मुकेश सहनी की है तो मुकेश सहनी के साथ ये तो गलत हो ही रहा है।
यानी मुकेश सहनी को एक बार फिर से साथ मिल गया है जदयू का और उपेंद्र कुशवाहा का। आपको बता दें कल ही मुकेश सहनी ने मुलाकात भी की थी नीतीश कुमार से, सीधा एयरपोर्ट से नीतीश कुमार के पास गए थे और वहां पहुंचकर अपनी जो दुख है, जो अपनी वेदना है, उसको प्रकट किया था और साथ साथ ये भी कहा था कि अगर भाजपा आज मेरे साथ ऐसा कर रही है तो कल आपके साथ भी ऐसा कर सकती है, किसी के साथ ऐसा कर सकती है, तो क्या इन परिस्थितियों के लिए हमें भाजपा से बातचीत नहीं करनी चाहिए। विशेष अगली खबर में आपको बताता हूं कि आखिर मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के बीच जो बात हुई है उसमें ललन सिंह ने हनुमान गियर कैसे लगा दिया। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।